शुरू करेंगे माता रानी की आरती। Thank you.
Thank you.
साहब हमारे बीच आ चुके हैं। Mumbai, everybody, thodi aur taaliyan, come on everyone, for Satyanarayan Chaudhary sahab. Itne zyada busy schedule mein se bhi aap hamare liye thoda samay nikal kar aaye, sirf aur sirf Shri Mool ji kaka ke bulaave par, bahut bahut dhanyawad. Sir, andheri mein pehli baar
और ये सारी चीजें करने के लिए माता रानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम सबको ताकत दे। माता रानी के आशीर्वाद से मोदी जी ने भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, अब तीसरी बनेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम पहले नंबर पर जाएंगे, बस माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और देखिए आपके आशीर्वाद से क्या होता है, आपने हमको वापस लाया तो सारी पाबंदी खत्म हो गई। आज भी 12 बजे तक, कल भी 12 बजे तक, परसों भी। अब माता की आराधना 12 बजे तक चलेगी और कोई इसको रोक नहीं सकता। ये माता रानी का आशीर्वाद है। मैं आप सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच भंडारी साहब। बस इसी तरह से और हम सब पर बनाए रखेगा, एक और बार हम सब के साथ जय श्री राम। अगर मोदी जी यू ही हमारे देश के रक्षक बने रहे तो कौन चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी भगवान का मंदिर हो? तो जितनी कृष्ण प्रेमी है वो सबकी दिल की इच्छा है सर जी की हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी उनका मंदिर हो। तो आगे देखिए धीरे धीरे क्या बन रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच न सारा क्या होगा।
माता रानी के आशीर्वाद से आज सातवां नवरात्र पूरा हो रहा है और मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। अंधेरी की जनता का प्यार, अंधेरी की जनता का आयोजन पूरी बम्बई में चर्चा है और माता रानी के आशीर्वाद से सालों साल ये चलता रहे ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और अंधेरीकरों ने जो उत्साह दिखाया है वो आज आपके सामने है और 3 दिन बचे हैं, धूम मचाएंगे और अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। अंधेरी वासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार आप बनाए रखिए और माता रानी का गुणगान गाते रहेंगे, अच्छे से कार्यक्रम करते रहेंगे। उसमें 2 दिन 12 बजे तक है और 1 दिन 10 बजे तक है। अच्छे से अंधेरी में, पूरी बम्बई में चर्चा हो कि अंधेरी भी कुछ कम नहीं है। अंधेरी की चर्चा पूरी बम्बई में चल रही है। अंधेरी एक इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ लाखों लोग काम पर आते हैं, पूरी बम्बई की नज़र अंधेरी पर है। तो अंधेरी कर हिंदू क्षण आगे लेके जाने में कहीं कम न रहे। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने 3 दिन 12 बजे तक का समय दिया है। इसके लिए सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।